वालेकुम दोस्तों, पहुंच चुके हैं वेला मुंडा शहजाद भाई के इलाके में और प्रैंक कॉल तो आप देख ही चुके हैं। अब उन्होंने बुलाया तो मैं आ चुकी हूँ, चुका हूँ तो उनको कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि मैं आ चुका हूँ। आप लोगों ने गाड़ी के अंदर बैठना है, सही ठीक है। गाड़ी के अंदर से आप ये गाड़ी के अंदर से कैमरे ऑन रखेंगे, हाय मेरा बुरका। तो गाड़ी के अंदर से बैठ कर ये कैमरे मतलब ऑन रखेंगे, अल्लाह करे कि लाइटिंग वगैरह बेहतर हो या जो भी आपको फैसिलिटी मिल रही है ना, लाइटिंग अगर कम भी हुई तो प्लीज आप बैड कॉमेंट ना कीजिएगा। तो कॉल करता हूँ उनको और बताती हूँ कि पहुंच चुका हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ, पे मैंने बताया कि मैं पहुंच चुकी हूँ तो इसलिए मैंने कहा कॉल कर लूँ कि कहाँ पे हैं आप। वो जो लोकेशन सेंड की थी वहीं पर हैं आप? जी, मैंने कहा मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। आज आप वही लोकेशन जो सेंड की थी वो तो मुझे कुछ और गली में लेकर चले गए। अच्छा चले, और ना कोई है तो नहीं ना आपके पास? आप अकेले हैं? ओपन माहौल है मोहतरमा, ओपन माहौल है। चलिए मैं आ रही हूँ, फिर मैं 5 से 3 मिनट के अंदर आपके पास पहुँच जाऊंगी। थैंक यू, मैं आ रही हूँ। दोस्तों चलते हैं। ओए कैमरे जरा ना शार्प रखना, और अगर लाइटिंग मुझे लाइट या ना लाइट तो इशू थोड़ा आएगा। नहीं अगर मतलब एक अंदर हुए तो आप लोगों ने फोकस थोड़ा आउट कर, कोई पिक्सल फटने देना, ठीक है? सही। तो दोस्तों चलते हैं, आप ट्रेन में डाल सकती थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, मैंने कॉल की थी आपको। मैं आप ही का वेट कर रहा था। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, बस वो लोकेशन पे मैं देख रही थी और लोकेशन के थ्रू आप बड़े आसान से। हाँ, एक ही शॉप खुली हुई है, बाकी सारी बंद थी। नहीं नहीं, खुली हुई है और शॉप भी यहाँ पर, वो तो पीछे वाली साइड पे दो ओपन है ना जी। ये साथ साथ सारी खुली हुई है। और आप ठीक है? कब के लिए थे? थैंक यू, टाइम दिया आपने, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सफर बस थकान हुई है, रोड इसी तरह की है, थोड़ी बहुत थकावट हुई है। हाँ जी। अच्छा ये बताएं क्या काम था आपको, जल्दी मिल जाना। काम वही जो मैंने कॉल पे बताया आपको, मुझे हेल्प की जरूरत थी एक तो। जी बिल्कुल, आपने मुझे बोला था, लेकिन मैं जो है ना आपके कुछ बातों से इतना सेटिस्फाई नहीं हुआ, जिस वजह से मैंने आपको बोला कि आपको लाइव मिलकर आपकी पोजीशन जो आपने बताई थी तो करें ना। बिल्कुल आपका राइट बनता है, आप अपनी पूरी तसल्ली करें, मैंने कॉलेज की ही वही फीस देनी थी। आप ऐसा करें, मैं आपको ऐसा कर सकता हूँ आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, आप मुझे उनका अकाउंट नंबर यदि पैसा या ऐसा कुछ बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर डायरेक्टली पे कर दूँगा। नहीं चलिए, वो तो मैं ये कह रही थी ना कि आप, मैं आपसे प्यार भी करती हूँ, और मतलब आप, वो बात मैंने आपको कॉल पर भी बोली थी कि आप मेरी बहन जैसी हैं, बल्कि मैं आपको बोला था बहन नहीं बोले ना मुझे, मैं ज्यादा नहीं हूँ। हाँ, आप बहुत प्यारे हो, आपको नहीं पता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप, मैंने आपको जो आपने मुझे काम बोला था, मैंने वो आपका काम बोल दिया है कि भाई मैं वो पे कर दूंगा, डायरेक्ट आपके कॉलेज में पे कर दूंगा। आपको फीस चाहिए वो आपके कॉलेज में डायरेक्ट पे हो जाएगी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं प्यार करती हूँ, अगर मैं आपको मतलब मेरा ख्वाब था कि मैं आपको टच करूँ, आपको मतलब ऐसा कुछ भी कर सकूँ, प्लीज मैं प्यार करती हूँ शहजाद आपसे। ऐसा वैसा सीन नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने आपको बहन बोला है, और बहन होने के नाते मैंने आपको जो है ना ये आपकी पे कर रहा हूँ। मुझे पता है आपके पीछे बहुत लड़कियां होंगी, मेरा प्यार को आप नहीं समझ सकते हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आपकी बजा इस बात बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी तस्वीर कर रहे हो। नहीं, ये आप अपना सिस्टम अपने पास रखें, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप मेरी बहन जैसी हैं। पूरा पाकिस्तान आपकी बहनें हैं, वो होंगी, लेकिन आप मुझे तो नहीं ऐसा करें ना, मैं प्यार करती हूँ आपसे। आप मुझे पैसे ना दें, आप मुझे 10,000 बेशक ना दें, मैंने ऐसी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। आपकी बातों का कोई जवाब नहीं है, सीधी सी बात। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो है ना मुझे, इसका मतलब आप में बहुत नखरा है, आप यूट्यूब वाले हो, खूबसूरत अल्लाह ने बनाया तो आपके अंदर इतना नखरा आ चुका है। ऐसी बात नहीं है बाबा, नखरे वाली कोई बात नहीं है। नखरा किस चीज़ का? मैं भी एक गरीब फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरे अंदर भी जो आप सोच रही हैं, तो मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं खूबसूरत लड़की हूँ, बहुत ज्यादा प्यारी हूँ, मैं भी आपको अपना बुरका नकाब उतार के दिखा दूंगी। मेरी फैमिली में हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चर में ये चीज एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं की जाती। नहीं, आप ये तो नहीं, मुझे देखकर तो ये नहीं कह रही हो कि ये प्यारी लड़की नहीं है, ऐसा कुछ है? तो मैं, ऐसी बात होती तो मैं आपको काल प्रोडक्ट बोल देता, ठीक है, जो आप सोच रही हैं। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैंने आपको बताया कि आपका जो काम है, आपको फीस चाहिए, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी, आपके कॉलेज में। आए, आपने फीस देनी है तो फिर मुझे यहीं पे नक दे दे, मतलब मेरे हाथ पे दे दे, मैं वहां पे जमा करवा दूंगा ना। ऐसी बात नहीं ना, वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसके भी पूरी तस्दीक करें, ठीक है। तो मुझे जितनी तस्दीक होती थी मैंने कर ली, ठीक है। बाकी आपका जो काम है वो आपका डायरेक्ट, आपने जिस काम के लिए मुझसे मांगे थे, आपने मुझे बोला था कि मैंने फीस पे करनी है 10,000, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आप मुझे उनका डायरेक्ट अकाउंट नंबर दे दे, मैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में जमा करा देता हूँ। आपका काम हो गया ना, तो आपको तो ये मसला नहीं होना चाहिए कि आपको मैं नकद दूं या मैं शहजाद इतनी अब दूर से आई हूँ, मैं अब रात कहाँ पे रहूंगी, मेरे लिए भी मसला है। मैं इतनी दूर से आई हूँ, आप घर चले, मेरी फैमिली के साथ रहें। मैं आपके अम्मी अबू को मिल सकती हूँ? जी जी वेलकम। आप, मैं उनको बताऊंगी मैं आपसे प्यार करती हूँ। अगर ये सीन है तो फिर जो है ना, मैं माजत खाऊं कि मैं आपको नहीं ले जा सकता। मैं चाहती हूँ आप मुझे कबूल कर लो, आप शादीशुदा हो? नहीं, शादीशुदा नहीं। तो फिर आपकी जिंदगी में कोई लड़की होगी? नहीं, लड़की वड़की नहीं है फिलहाल मेरी जिंदगी में, ऐसा कोई सीन नहीं है। फिलहाल मैं अपने काम पर तवज्जो देना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे काम में नहीं पढ़ना चाहता बिल्कुल भी। और मैं आपको कैसे, मैं आपकी जिंदगी में कोई लड़की भी नहीं है? नहीं, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। आप मुझे कबूल नहीं करोगे? मैं सीरियस बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं जस्ट अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ फिलहाल, तो लिहाजा मैं बर्बाद होगी, मैं इतनी दूर से आई हूँ। यहाँ मेरे घर चले, ठीक है, आप मेरे घर चले, मेरी फैमिली के साथ, मेरे माँ बाप के साथ बैठे उठे खाए पिए जितने दिन रहे, आपका अपना घर है, कोई इशू नहीं। बाकी आपकी जो इतनी बड़ी बातें कह रहे हो, इतने दरिया दिल इंसान हो, इतना बड़ा दिल है, तो फिर कबूल क्यों नहीं? क्यों नहीं, बंदा ये अफेयर रखे तो ये सारी काम बातें होने चाहिए। मैं क्या कहूँ आपको, मैं इतनी परेशान हूँ। प्लीज मुझे कबूल कर लो ना, मैं ठुमके वाले भी कर लेती हूँ, मैं ऐसे डांस भी कर लेती हूँ। लेकिन अब जो आपने पोजीशन दिखाई है ना अपनी, यकीन मैं जूडो कराटे भी खेल लेती हूँ, ये देखो मैं ऐसे कराटे भी खेल लेती हूँ, ये स्टेप भी मैं कर लेती हूँ, ये वाले भी, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो ना। मैंने इतने डांस भी दिखाया आपको, स्टेप भी करके दिखाए। क्या सोच रखा था मैंने, कहा कि यार बहुत शरीफ लड़की है, मतलब कि एक अच्छे खानदान से, चलो गरीब फैमिली से है, चलो मेरे कुछ करने से उसका ये मैंने इसलिए सब कुछ किया कि मैं चाहती थी कि मैं आपको दिखाऊं मैं आपके लिए क्या कुछ कर सकती हूँ। हाय मेरे अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ, मैं लुटी गई, मैं लुटी गई। लुटी भी आप गई है ना, मुझे आपने बोला कि मैं मतलब कि बहुत ही वो गरीब हूँ, शरीफ खानदान से हूँ, लेकिन अब आपको रूटीन ही चेंज होगी। मैं आपको बहन बोल रहा हूँ, घर जाने का बोल रहा हूँ, आप मुझे स्टेप करके दिखा रही। स्टेप तो मैंने इसलिए की कि मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ और अभी दे सकती हूँ, तो मुझे कुछ सर में मार दो। मेरे जान नहीं चाहिए आपकी, मुझे जान आपकी बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा मैं जान छोड़ दूंगी, मैं यही चीज अभी घर वापस चली जाती हूँ, मैं एक किस कर सकती हूँ आपको। मैंने आपको बोला है कि आप मेरी बहन है, ठीक है, तो बहन वाले सीन में ऐसा कुछ नहीं। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज मेरे लिए जिंदगी बहुत, ये जिंदगी का ख्वाब था, एक किस दे दो मुझे। नहीं, मेहरबानी करें, प्लीज एक किस दे दो, एक किस ले लो। आपने मुझे धक्का तक रख दिया, कितने बेहया और बेशरम इंसान हो तुम, मैंने तुम्हारे लिए क्या अपना घर छोड़ के आई हूँ? नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बहन बहन बोल रहा हूँ, आप बोल, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज आप बैठे हैं, मैं नहीं बैठ सकती, मुझे टच क्यों कर रहे हो? मैं याद रखना, मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ तेन औलक को भी बताऊंगी। आप जिसको बताना आप जाएं बताएं, मैं आपको आपके साथ मैं सिप्तैन औलक उर्फ पिंकी को जाके सारी दास्तान बताऊंगी तुम्हारी। किसको? सिप्तैन औलक उर्फ पिंकी को। पिंकी को, यूट्यूबर को? हाँ। मेरी तरफ देखें आप? हाँ। मैं आपकी शक्ल देख सकता हूँ? देख सकते हो।
जिंदाबाद यार शहजाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद यार। क्या प्रैंक तू कर रहा है? लेकिन मैं को ये समझ नहीं यार, ऑफ कैमरा क्यों प्रैंक कर रहा मैं? आप कैमरे में चेक करना आई मैं बड़े लोगों को सुने हैं कि मतलब सारा कोई अफेयर हो, इतना प्यारा लड़का है, मैं खुद बन के चेक करता हूं, फील नहीं थी यार मेकअप है इस वजह तो यार मेकअप तेरे मैं हूं क्या फील थी यार, बिल्कुल भी फील नहीं थी यकीन मैं कसम खुदा दे आबाद रहो ये सदा भी यार, लेकिन इतना नहीं थिड़का, मैं फुल कोशिश की थी, मैं पता भाई रात का टाइम है तो पता पीछा दुकान ही की थी नहीं, मैं को एक समझ नहीं तेरी गाल दी कि तू बगैर कैमरे देखी में मेरे नाल प्रैंक सदा भी नाराज नहीं थी भाई कार नजर आ नहीं पई सर चिट्टी कार जी खड़ोती उस कैमरे लगे पे आटो कार हाथ लाओ हाथ लाओ चोर बैठे कैमरे गिन के बैठे मेरी जान वीडियो पड़ती पई है मैं देखे ना तो आ बजो जरूर मैं नाराज नसे समझो थोड़े को जिंदाबाद रहो सर मेरा व्यूवर सुनता पिए कोई पैगाम सॉरी मेरा व्यूवर सुन रहा है प्लीज उर्दू में, मेरा व्यूवर उर्दू ज्यादा है, सराकी भी लोग मेरे बहुत हैं लेकिन उर्दू व्यूवर है, उनके लिए कोई पैगाम देना? भाई जान मैं फेल हो चुका हूँ, आई एम सॉरी, मैं ऑब्वियसली जब फेल हुआ तो मान रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कुछ कहना चाहें शहजाद भी मेरे व्यूवर के लिए? मैं आपके व्यूवर को कहूँगा कि भाई का जो टैलेंट है भाई जिस अंदाज से बात करते हैं तसरे के चक साथ मैं तो बिल्कुल ना पछाड़ा, यकीन यकीन मानू का चूहर मैं तो समझी बैठा हूँ। ठीक है जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक करो थोड़ी जी, मेरी चैनल चूहर की आवाज है, इनको इनको कोई जानता है नहीं ना भैया, कोई जानते कोई नहीं, बिना कोई YouTube चैनल सर्च करके इनसे एक मिनट लिंक दिया, जो बंदा नहीं जानता लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वेला मुंडा शॉर्ट आउट, ये स्क्रीन पर अब जो आपको चीज साइड पे कहीं से नजर आ रही होगी ना ये इसी का चैनल है, और पता है कौन है 4 लाख से अबव सब्सक्राइबर होने वाले हैं इनके, और दिन रात व्लॉगिंग करके ये बंदा स्टार, और मैं इससे प्यार करता हूँ, और आज चेक कर लिया जितने भी ये मुझे कंप्लेन कर रहे थे बहुत सारे लड़के कि ये लड़कियों के पीछे भागते हैं या ऐसा कुछ सीन, सर ओरिजिनल तौर पे यस, इसको मे भी लोग कहेंगे कि ये फेक प्रैंक था या ऐसा कुछ था, अब यार लोगों का क्या सर नहीं रोक सकते तो कहने दें, लेकिन ये ओरिजिनल चेक कर लिया सर ये लड़कियों के पीछे, तो वेला मुंडा स्पेलिंग भी नजर आ रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना बस सर, यूट्यूबर के लिए ना Please. वो क्या कहते हैं आप अबू के पास अब मैं आपसे प्यार करता हूँ आबाद रहे सर, बहुत शुक्रिया, खुश रहें दोस्तों, दो में याद रखिएगा और मिलेंगे एक और प्रैंक के साथ, जानदार और शानदार प्रैंक के साथ, दो में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।